हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे हैं। घर पे बैठ के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव शर्मा, अभी मैटर्स को थोड़ा और डिफाइन करूंगा। आप लोगों ने बेटा मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर्स हमारे अराउंड में जो चीजें हमें दिखती है, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दीज आर ऑल ऑफ मैटर्स। ये सभी क्या मैटर्स है। और इन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, मैटर मेनली डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में भी डिस्कस कर लिया होगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। फिर उन्हें इवेपोरेशन वगैरह पढ़ा है, तो वो सारी चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपस में चेंज करना भी हमने स्टडी किया होगा। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं मैटर्स के बारे में। एक साइंटिस्ट थे बेटा, थॉमस ग्राम। क्या नाम है इन साइंटिस्ट का? थॉमस ग्राम। थॉमस ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 1861 में थॉमस ग्राम डिवाइडेड मैटर इन टू पार्ट्स। थॉमस ग्राम ने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के हिसाब से। नंबर वन क्रिस्टेलॉइड्स और नंबर टू कोलोइड्स। तो पहला क्या नाम लिखा बेटा? क्रिस्टेलॉइड। और दूसरा क्या लिखा? कोलोइड्स। क्रिस्टेलॉइड और कोलोइड्स है क्या, समझेंगे। इन्होंने कहा कि वो सब्सटेंस जिनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड कर सकते हैं, यानी कि सब्सटेंस या मैटर्स ऑब्टेंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है? जिसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है एटम्स का, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर, सिमिट्री होती है, जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि शार्प होता है, वो सभी फॉर्म क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ठीक, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा भी वो मैटर्स या वो सब्सटेंस जिनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड कर सकते हैं, या फिर इनको अगर हम किसी में डिजोल्व करें सॉल्वेंट में, तो इनकी जो डिजोल्व फॉर्म है, नंबर टू क्या है बेटा? डिजोल्व फॉर्म कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक वर्ड आ गया बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं आपको मेम्ब्रेन के बारे में बताना चाह रहा हूं बेटा। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आप लोगों ने सुना होगा, एक झिल्ली होती है, हमारी स्किन भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन आर मेनली थ्री टाइप्स। नंबर वन परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है बेटा? जिसके अंदर से सोल्यूट और सोलवेंट इजिली पास हो जाए। विच ए मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास सोल्यूट एंड सोलवेंट, जो अपने अंदर से सोल्यूट और सोलवेंट को पास होने दे, ठीक है, वो होते हैं परमिएबल। नंबर टू पर होते हैं बेटा इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसके अंदर से सोल्यूट और सोलवेंट कोई भी पास ना हो, वो क्या होते हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और लास्ट हमारी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है बेटा नंबर थर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है विच अलाउ टू पास ओनली सोलवेंट थ्रू इटसेल्फ, जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने दे? सोलवेंट को, सोल्यूट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट को पास होने दे।
ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमारी स्किन के जस्ट नीचे भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तभी तो हमारी बॉडी में क्या है वाटर सोलवेंट, सोलवेंट हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है तो सिर्फ पानी निकलता है नहीं, बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें है, इतने सारी बोन्स है, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारी चीजें है, लेकिन सिर्फ क्या निकलता है वाटर बाहर निकलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है वाटर सोलवेंट होता है और स्किन क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर से सिर्फ क्या पास होगा वाटर पास होता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट पास हो, तो एनिमल मेम्ब्रेन पेड़ पौधों की जो मेम्ब्रेन होती है वो सब क्या होते हैं बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल होते हैं, और इनके होल का जो साइज होता है, अगर मैं होल साइज की बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट नैनोमीटर के आसपास होता है, 10^-9 मीटर यानी कि अप्रोक्सीमेट नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक, बहुत छोटा होल है, तो जिन पार्टिकल का साइज इनसे छोटा है वो तो इसमें से पास हो जाएंगे, लेकिन जिनका साइज इससे बड़ा है वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे। क्लियर है, हमने एक फिल्टर पेपर भी सुन रखा है, फिल्टर पेपर का मैं भी लिख देता हूं, एडिशनल आपको ध्यान होना चाहिए, जो फिल्टर पेपर होता है फिल्टर पेपर इनके होल का साइज अप्रोक्सीमेट माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर के आसपास होता है, फिल्टर पेपर के होल का साइज। ये बात क्लियर होगी। अब ये कहा कि भैया क्रिस्टलोइड वो है जो जिनका सॉल्यूशन डिजोल्व हो, अगर मान लो मैं उसको वाटर में डिजोल्व कर दूं या किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दूं, तो जो डिजोल्व फॉर्म है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, तो वो तो क्या होंगे क्रिस्टलोइड। और अगर मान लो क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं, तो कहता वो सब्सटेंस जिनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड नहीं कर सकते वो सब क्या होंगे क्लोराइड्स। दूसरा क्या कहा भी जिनकी डिजोल्व फॉर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास ना हो तो वो भी क्या होता है क्लोराइड फॉर्म होते हैं। क्लियर बात है। क्रिस्टलोइड का जो डिजोल्व फॉर्म यानी कि सोल्यूशन, क्रिस्टलोइड से जो सॉल्यूशन बनता है बेटा इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, जो क्रिस्टलोइड से बनता है, और जो कोलोइड से बनता है बेटा इसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो थॉमस ग्राम ने क्या कहा, मैटर वो मैटर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड होते हैं या जिनकी डिजोल्व स्टेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो सकती है तो उनको हम क्रिस्टलोइड का नाम देंगे। क्लियर बात है। और कहता है जो क्रिस्टलोइड फॉर्म में नहीं बनते हैं या जिनकी डिजोल्व फॉर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होती है उसको क्या नाम देंगे, कोलोइड्स का नाम देंगे। तो टू पार्ट्स में इन्होंने इसको बांट दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पता चल गया, एक वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने दे बेटा, सॉल्वेंट को पास होने दे, उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आगे देखेंगे इसको, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक, अब देख बेटा हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया बेटा, सोल्ट लिया सोडियम क्लोराइड, इसको वॉटर में डिजोल्व किया। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व किया तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो गया और ये जो सॉल्यूशन बना बेटा इसको नाम दे दिया गया ट्रू सॉल्यूशन। अब देखो सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्ट इन वाटर, कॉमन सोल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो सॉल्यूशन आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो गया, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड को हमने बेंजीन में डिजोल्व किया, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हुआ, तो इसको क्या नाम देंगे हम, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सोडियम क्लोराइड को हम क्रिस्टलोइड माने या क्लोइड माने, बात समझना। देखो इन्होंने ये कहा भी जिसका सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए वो तो क्या है क्रिस्टलोइड, और जिसका पास नहीं हो वो क्या है कोलोइड। तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, एक बार बनाया वाटर में, एक बार आया बेंजीन में, वाटर वाला तो पास हो गया, बेंजीन वाला पास नहीं हुआ। अब क्वेश्चन आ गया सोडियम क्लोराइड को क्या माने, क्यों क्रिस्टलोइड है कोलोइड है।
ऐसा ही और कई सोल्ट्स में हुआ। तो यहां पर क्या हुआ कि क्रिस्टेलॉइड और कोलॉइड में एक बहुत अच्छा सेपरेशन नहीं हो पाया। तो साइंस ने क्या किया, थॉमस ग्राम की जो थ्योरी थी इसको फेल कर दिया, कहा भी हम इस थ्योरी को नहीं मानेंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन साइंस को वहां से एक बहुत अच्छा क्ल्यू मिला। वो क्ल्यू क्या है, साइंस ने सोचा कि क्यों ना मैटर को अकॉर्डिंग टू साइज डिवाइड किया जाए। भी हम थॉमस ग्राम ने जो बात कही वो तो गलत है, वो तो गलत प्रूफ हो गई, लेकिन इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, तो हमें मैटर को डिवाइड करना चाहिए। तो साइंस ने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो साइंस कहता है कि जो मैटर होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मैटर आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन, तो एक नाम दिया गया ट्रू सॉल्यूशन, जिसको जनरली हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो भी हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं बेटा या सॉल्यूशन पढ़ते हो, सब इस पार्ट में आएगा। नंबर 2 नाम दिया गया बेटा कोलोइडल या कोलोइड्स जिसको बोलते हैं, कोलोइडल। और नंबर 3 नेम दिया गया सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है बेटा, अब ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल और सस्पेंशन मैटर को अकॉर्डिंग टू साइज 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। अब इनके डिफरेंस बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, मैं मान लेते साइज की, साइज क्या होगा, वो सब्सटेंस या वो मैटर जिनका साइज नैनोमीटर से छोटा हो, यानी कि जो साइज है बेटा लेस देन 10^9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर, जिनका साइज नैनोमीटर से छोटा है वो सब क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन होंगे। जिन पार्टिकल का या मैटर्स का साइज नैनोमीटर से माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, नहीं आप ऐसे भी लिख सकते हो, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर है, उनको क्या बोलेंगे हम, कोलोइडल्स बोलेंगे या कोलोइड्स बोलेंगे। और जिनका साइज मोर देन माइक्रोमीटर है, यानी कि ग्रेटर देन माइक्रोमीटर, तो उन सबको क्या बोलेंगे बेटा, सस्पेंशन बोलेंगे। तो इस यूनिवर्स में जो भी हमें दिखता है, आप जो भी देख पाते हो, वो सब क्या होता है बेटा, सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो पता चला ट्रू सॉल्यूशन में वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिनका साइज, या सॉल्यूशन में जिनका साइज नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक, और कोलोइडल में वो लेके चलते हैं जिनका साइज नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन में लेके चलते हैं जिनका साइज माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। कन्फर्म बात है, तो फर्स्ट पॉइंट पता चल गया बेटा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फिल्टरेबिलिटी, भाई इनको हम किससे फिल्टर कर सकते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन का साइज बहुत छोटा है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से पास हो सकते हैं। तो यानी कि नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 दे कैन इजीली पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से पास हो सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर का साइज अप्रोक्सीमेट माइक्रोमीटर होता है, और इनका क्या होता है, सेमी परमेबल का अप्रोक्सीमेट नैनोमीटर, और ये नैनोमीटर से भी छोटे हैं, तो माइक्रो से तो अपने आप ही छोटे होंगे, तो दोनों से आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन ये क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होंगे, नहीं, क्योंकि इनका साइज नैनोमीटर से बड़ा है। तो ये किससे पास होंगे, नंबर 2 पॉइंट, दे कैन पास ओनली थ्रू फिल्टर पेपर। तो ये सिर्फ फिल्टर पेपर से पास होते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या है, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के बीच में, और नैनोमीटर से माइक्रो है तो नैनो से तो बड़े ही होंगे, और इनके होल का साइज सेमी परमेबल का नैनो के आसपास है, तो उसे पास नहीं होंगे। ठीक है, और सस्पेंशन किसी से भी पास नहीं होता है, ना ही फिल्टर पेपर से पास होता है, और ना आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो दे नाइदर पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोर फिल्टर पेपर,
ये बात क्लियर होगी। 2 पॉइंट हमें पता चल गए बेटा। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट में आ जाएगा बेटा नेचर के बारे में। नंबर थर्ड पॉइंट है नेचर। नेचर ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है बेटा। होमोजीनियस आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। कोलोइडल बेटा हेट्रोजीनियस होता है, और सस्पेंशन भी बेटा हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, होमोजीनियस होता है जहां सोल्यूट और सोलवेंट की कंपोजिशन हमेशा सेम रहे हर जगह। आप कहीं भी पूरे सॉल्यूशन में चेक कर लो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। और हेट्रोजीनियस में सेम नहीं रहेगी, और सस्पेंशन है ये भी हेट्रोजीनियस है तो इसमें भी क्या है बेटा, सेम नहीं रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेटिंग के बारे में बात करता हूं, नंबर 4 सेटिंग। अब ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, नैनोमीटर से भी छोटे हैं, तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये नीचे नहीं बैठते हैं, तो यानी कि दे डू नॉट सेटल। तो ये बेटा सेटल नहीं होते, नीचे नहीं बैठते हैं। और जो आपके कोलोइडल है ये भी नीचे नहीं बैठते हैं, इनको भी कहीं कहीं महीने कहीं कहीं साल लग जाते हैं, तो ये भी दे डू नॉट सेटल, तो ये भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन है दे इजिली सेटल डाउन, दे इजिली सेटल डाउन, ये आसानी से बेटा नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि जब आप इनका सॉल्यूशन बनाओगे तो नीचे नहीं बैठेगा सोल्यूट या सोलवेंट, ऊपर ही रहेगा, घूमता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे ही यहां पर है। बट ये क्या हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे आपने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, अब स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि अभी मिट्टी पानी के अंदर मिली हुई है, लेकिन उसको 2-3 दिन के लिए रख दो तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपने क्या किया, पानी के अंदर नमक मिला दिया, डिजोल्व कर दिया, अब उस पानी को आप चाहे कभी भी पी लेना, उसमें नमक वो सोल्टेड ही रहेगा, ये नहीं कि नमक नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे बैठता तो फिर सारे सी वाटर वगैरह सब अपने आप क्लियर हो जाते, तो नीचे नहीं बैठेगा। तो यानी कि वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नंबर 5th पॉइंट की, आई होप नंबर 4 पॉइंट तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, साइज पता चल गया। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ट्रू सॉल्यूशन वो है जिनके पार्टिकल का साइज या फिर वो मैटर जिनका साइज नैनोमीटर से छोटा होता है, और कोलोइडल वो है जिनका साइज नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के बीच में होता है, सस्पेंशन है जिनका साइज माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से पास कर सकते हैं, आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन जो कोलोइडल है ये सिर्फ फिल्टर पेपर से पास होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। और जो सस्पेंशन है बेटा ये ना फिल्टर पेपर से और ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है, बट कोलोइडल और सस्पेंशन ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं होते हैं, कोलोइडल का साइज भी बहुत छोटा है, हम भी इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन सस्पेंशन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने मेनली डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं इसके बाद 1-2 पॉइंट और डिस्कस करता हूं जो हमारे सिलेबस में है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजिबिलिटी। नंबर 5th पॉइंट है विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी भी क्या ये हमें दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रू सॉल्यूशन की, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर इनविजिबल, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन नैनोमीटर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो हमें दिखाई नहीं देता है बेटा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम, अगर कोलोइडल की बात करते हैं, अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट करवाएं, बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या आप पढ़ेंगे बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप,
अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं बेटा, ठीक, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने जनरल सुना होगा क्लोइडल जो होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, जैसे दीवार में एक रोशनदान है, रोशनदान से लाइट आ रही है, उस लाइट के अंदर अगर हम देखेंगे तो धूल के छोटे 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 पार्टिकल हमें दिखाई देंगे। वो क्यों दिखाई देते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि उन पार्टिकल का साइज क्लोइडल रेंज का होता है। ऐसे हमने गाड़ी खड़ी की, ठीक, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की लाइट ऑन है, बारिश आ रही है या धूल है, तो अगर हम गाड़ी से उतर के देखेंगे साइड में खड़े होके, तो वो जो लाइट का पाथ होगा वो हमें दिख जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल दिखाई देंगे, क्योंकि वो पार्टिकल क्लोइडल रेंज के हैं और उनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। ठीक, तो यानी कि क्लोइडल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से हमें क्लोइडल का पाथ विजिबल हो जाता है, यानी क्लोइडल का हम पाथ आसानी से देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो इनको हम आसानी से सीन बाई नेक्ड आई, तो इनको हम आसानी से देख सकते हैं, हमें जो दिख रहा है सब क्या बेटा, सस्पेंशन है, तो ये सब आसानी से नेक्ड आई से आसानी से दिख सकते हैं। एक दो पॉइंट की और बात करते हैं, अपियरेंस की बात कर रहा हूं, नंबर सिक्स पॉइंट है अपियरेंस। अपियरेंस की अगर मैं बात करूं, APPEA, एक बार चेक कर लेते हैं, अपियरेंस वे क्या हमें ये दिखाई देते हैं, इनका जो सॉल्यूशन बनता है बेटा वो बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखाई दे जाए, बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर मैं क्लोइडल की बात करूं, इनका जो सॉल्यूशन बेटा वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है बिल्कुल हल्का हल्का धुंधलापन, बिल्कुल हल्का सा धुंधलापन, तो ट्रांसल्यूसेंट होता है। और अगर मैं बात कर रहा हूं सस्पेंशन की, तो ये बिल्कुल ओपेक्यू डार्क होता है, इसके आर पार दिखाई नहीं देगा। तो जब इनका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके आर पार दिखाई नहीं देगा, वो ओपेक्यू होगा, ये ट्रांसलूसेंट होंगे यानी कि हल्का सा धुंधलापन होगा, ये बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे यानी कि जिसके अंदर से आसानी से हम देख सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने देखा, हमने क्या पढ़ा फिलहाल कि मैटर्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो हमें पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन क्या है, फिर हमें क्लोइडल के बारे में पढ़ना है, फिर हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। एक बात हमें विशेषकर ध्यान रखनी है, जहां बच्चे मार खा जाते हैं, जो भी एग्जांपल हम यूज करते हैं तो वो अगर हमें ट्रू सॉल्यूशन का लेना है तो हमें ध्यान रखना है एग्जाम्पल वही होना चाहिए जिनके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से छोटा हो। अब जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने पानी के अंदर नमक मिला दिया, ठीक है, या पानी के अंदर शुगर मिला दी। अब शुगर और वाटर दोनों किसी में आते हैं बेटा? ट्रू सॉल्यूशन में, आसानी से सॉल्यूशन बन गया। लेकिन मैंने क्या कहा, भाई मिल्क के अंदर शुगर मिला दी मैंने, दूध में चीनी डाल दी मैंने, जो मिल्क है बेटा वो एक्चुअल में क्या होता है, क्लोइडल रेंज का होता है, तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको क्लोइडल सोल या क्लोइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल को विशेषकर ध्यान रखना है, जो जो एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे उन पे फोकस करना, उनको राइट डाउन करना साथ के साथ कि भैया कौन सा एग्जाम्पल कहां पर यूज करके चल रहे हैं। तो आई होप यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, इसको बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए शेयर करो जो NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी बच्चों को ये क्या करेंगे, वीडियो आप शेयर करेंगे। तो बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।